अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर को लंबे टाइम के लिए स्टोर करने का तरीका। लेकिन गर्मियां शुरू होते ही बिजली गायब हो जाती है और परेशानी हो जाती है कि जो फ्रीज़र में चीज़ें रखी हैं वो कहीं ख़राब ना हो जाएं। तो आज मैं आपको बग़ैर फ्रीज़र के, बग़ैर बिजली के, बग़ैर फ्रिज के आप लंबे टाइम के लिए टमाटर को किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पुराने ज़माने की याद दिलाऊँगी कि हमारी नानी दादी पड़दादी पुराने ज़माने में चीज़ों को किस तरीके से स्टोर करते थे, क्योंकि उस वक्त भी ना बिजली होती थी ना ही फ्रिज। तो आज की रेसिपी में ऐसा क्या करने वाले हैं, इसके लिए रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, आपको जितने भी स्टोर करने हों उस हिसाब से टमाटर ले सकते हैं। धो लेना है और उसके बाद ड्राई कर लेना है, जैसे मैंने अभी कपड़े से इनको ड्राई किया है। इसके बाद हमने इनकी करनी है कटिंग, ठीक है। एक टमाटर को 400 में काट रही हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो टमाटर के बीज है इनको मैं रिमूव करूँगी, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि टमाटर के बीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इससे गुर्दे में पथरी हो जाती है। तो मैं ये बीज निकाल लूँगी। आपने अगर बीज रखने हो तो आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर बीज सारे के सारे इसके निकाल लूँगी। तो ये देखें, ये बीज हमने इस तरीके से निकाल लेने हैं और ये जो टमाटर हैं इनको मैं इसी तरीके से काटूंगी। अब देखें, इस तरीके से मैंने टमाटर को काटा है। आप चाहें तो इस तरह से पीसेस भी रख सकते हैं या फिर छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जो भी आपको सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो टमाटर के बीज हैं, आप चाहें तो इनको ड्राई कर लें, और ड्राई करने के बाद ये जो बीज हैं इनको आप अपने घर की क्यारियों में लगा लें या फिर गमलों में लगा के घर में ही टमाटर उगा लें, तो ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है, ठीक है। टमाटर को मैंने इस तरीके से काट लिया है, ठीक है, इस साइज़ में। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी स्टील का बर्तन ले लें, परात ले लें, ट्रे ले लें, प्लेट ले लें, जो भी आपके पास मौजूद हो। अगर स्टील के नहीं हैं तो जो भी आपके पास ट्रे या फिर प्लेट्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टील है ना, ये जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसमें काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और इसमें हम डाल देंगे टमाटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा टमाटर को हमने भरना नहीं है, एक ही लेयर में जितने आ सकते हैं उतने ही मैं डालूंगी, जो बचेंगे वो दूसरे बर्तन में हम डाल देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से एक ही लेयर में हमने टमाटर डाले हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं करना है, भरना नहीं है। अब देखें, ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये वो तरीका है जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं दिखा रही हूँ, ना ही अपनी तरफ से कोई चीज़ बना रही हूँ। ये पुराने ज़माने में इस तरीके से सब्जियों को, गोश्त को, मसालों को ड्राई किया जाता था और सालों साल इस्तेमाल किया जाता था। अब मैं क्या करूँगी, कोई भी जाली ले लें, या मेरे पास इस तरह का नेट का दुपट्टा है, मैं ये ले रही हूँ। आप कोई भी इस तरह की कोई जाली ले सकते हैं, मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, बस इसको कवर करना है। मकसद ये है कि इस पर मक्खियाँ ना बैठें, कीड़े ना आएँ, ना ही मिट्टी आए। तो बस इस चीज़ से बचाने के लिए आप कोई भी छन्नी ले लेनी है, बस उसमें से हवा जो है आर पार हो, रोशनी भी आर पार हो, बिल्कुल ये कवर ना हो। जैसे इस तरह का मैंने दुपट्टा इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इस तरह का कोई दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको उठा के धूप में रखेंगे। ये मेरे घर की छोटी सी बालकनी है, यहाँ पे बड़ी अच्छी धूप आती है, तो यहाँ पे मैं अक्सर चीज़ों को ड्राई करती हूँ। तो इनको भी मैं यहाँ पे रख के ड्राई करूँगी। 2 से 3 दिन लग जाएंगे, अगर अच्छी धूप आती है तो 2 दिन लगेंगे, अगर आजकल थोड़ी सी धूप जो है वो गायब भी हो जाती है तो 3 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी रखूँगी और सुबह में नीचे की तरफ भी अच्छी धूप आती है तो नीचे रखूँगी, तो मैं जगह चेंज करती रहूँगी। तो इसी तरीके से आपके घर में जहाँ भी धूप अच्छी आती है वहाँ पे आपने इनको रखना है 2 से 3 दिन के लिए। और ये जी नीचे का व्यू, मेरा भतीजा नीचे है, अपनी ही दुनिया में मगन है, तो ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रखना है। 3 दिन के बाद ये जी टमाटर हमारे पास ड्राई होकर आ गए हैं। 1 किलो मैंने टमाटर रखे थे, ठीक है, आधा किलो मैंने आपको दिखाए थे, आधा किलो मैंने दूसरे बर्तन में डाले थे। तो ये तकरीबन 1 किलो टमाटर ड्राई होने के बाद इस शक्ल में आ जाएंगे। आपने जितने भी किलो टमाटर को ड्राई करना है इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने यकीन कर लेना है कि आपके टमाटर बहुत अच्छे ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अगर ये थोड़े से भी गीले रह जाते हैं ना तो फिर आपके टमाटर फंगस लग जाएगा, ख़राब हो जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छा ड्राई करना है। मैं 2 दिन का बोल रही हूँ तो आपने 3 दिन रखना है, मैंने 3 दिन का बोला है तो आपने 4 दिन रखना है, लेकिन ये बहुत अच्छे ड्राई होने चाहिए। मैंने इनको नेचुरल तरीके से ड्राई किया है, आप देखें कितना बेहतरीन कलर है, कलर भी ख़राब नहीं हुआ है। इस तरीके से कोई भी सब्ज़ी, बल्कि आप गोश्त भी अगर ड्राई करके रखते हैं तो वो सालों साल कभी भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये कुदरती तरीके से रोशनी, हवा और धूप में
ड्राई हुई हुई चीज़ है तो ये कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो देखें अभी मैं ना आपको दो तरीके से इनको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। पहला तरीका तो ये है कि आपने क्या करना है, कोई भी बर्तन ले लेना है, कोई भी जार ले लेना है जिसमें हवा ना जाती हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर आप इसको धोते हैं तो पहले इसको धूप में ड्राई कर लें अच्छा सा, और उसके बाद फिर आपने ये ड्राई किए हुए टमाटर डालने हैं। ठीक है, मेरे पास तो 1 किलो हैं, आपने अगर जितने ढेर सारे करने हो उस हिसाब से करें। इसको कवर कर दें और कवर करने के बाद आपने किचन में जहाँ पे अच्छी हवा आती है उस जगह पे आपने इसको रखने हैं, और फिर आप इसको आराम से इस्तेमाल करती रहेंगी, ये कभी ख़राब नहीं होंगे। बस 1-2 दिन के बाद इसका ढक्कन खोल के आपने उलटते पुलटते रहना है ताकि इसको हवा मिलती रहे। ठीक है, बस आपने ये काम करते रहना है तो ये आपके इंशाल्लाह कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अब इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, जब भी सालन बनाएं आपने बॉक्स निकालना है और किसी भी बाउल में आपने पानी डालना है तकरीबन आधे कप के बराबर, और अगर आधा किलो के हिसाब से आप सालन बना रही हैं तो आपने 1 टेबल स्पून इसमें डालना है, या फिर 1 किलो का आप सालन बनाती हैं तो आपने 2 टेबल स्पून इसमें ड्राई टमाटर डालने हैं, और इसको आपने मिक्सर में डालना है, ब्लेंड करना है, और ये जी प्यूरी आपकी तैयार होकर आ जाएगी सालन में डलने के लिए। ठीक है, अगर तो आप सालन में दही का भी यूज़ करती हैं तो ये 1 किलो के हिसाब से ठीक है, क्योंकि 1 टेबल स्पून में तकरीबन 1 से 1.5 टमाटर जो है वो ड्राई होने के बाद बनेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपने इनको ग्राइंडर में डालना है। ठीक है, अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो मैंने आपको पहले वाला तरीका बताया, आप उस तरीके से कर सकते हैं, जिनके पास ग्राइंडर है तो वो ये वाला तरीका कर सकते हैं। इनको आपने ग्राइंडर में डालना है, पीसना है और बारीक पाउडर बना लेना है। ये देखें, ये हमारे पास पाउडर बनकर आ गया है, इसको आप किसी भी जार में डालें और उसको अच्छा सा बंद करें, और किचन में किसी भी खुली जगह पे आपने इसको रखना है, फ्रिज में आपने इसको नहीं रखना है। तो ये हमारे पास टमाटर का बहुत ही ज़बरदस्त पाउडर तैयार होकर आ गया है, इसको इस्तेमाल करने का वही तरीका है। जब भी सालन बनाना हो आपने 1 बाउल में पानी लेना है आधा कप के बराबर, और आधा किलो का अगर आप सालन बनाती हैं तो 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें काफ़ी है, क्योंकि 1 टेबल स्पून में तकरीबन 1 से 1.5 टमाटर ड्राई होने के बाद ये 1 टेबल स्पून बनेगा। ठीक है, इसको हम डालेंगे पानी में और फिर इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें, अगर जल्दी आपने सालन बनाना है तो इसको आपने मिक्सर में डाल के ब्लेंड करना है, और फिर ये बिल्कुल वैसी ही प्यूरी हो जाएगी जैसी हमने पहली वाली बनाई थी। क्योंकि अगर इसको पानी में डालेंगे ना तो थोड़ा सा सोक करने के बाद ही ये वाली शक्ल आएगी, नहीं तो फिर आप ब्लेंडर में डालेंगे मिक्स करेंगे तो ये वाली शक्ल आ जाएगी। तो ये भी जी हमारे पास प्यूरी तैयार होकर आ गई है, ये पहली वाली जो हमने तैयार की थी और ये जो है दूसरी वाली। तो इस तरीके से आप लंबे टाइम के लिए टमाटर को महफूज कर सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि धूप रोशनी और हवा में ड्राई हुई हुई चीज़ ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होती। ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर अपना फीडबैक